नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। मैं हूं मुरारी शरण और हमारे साथ हैं AICC सचिव श्री अनिल कुमार चौधरी। और आज हम बात करते हैं पिछले दो महीनों से जो कवायद चल रही थी आप और कांग्रेस में गठबंधन की, वो एक झटके में ही टूट गई है। और आज कांग्रेस ने सातों सीटों पर दिल्ली के अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो चौधरी साहब से बात करते हैं कि क्या इसके लिए किसको जिम्मेदार आप समझते हैं? एक तो मुरारी जी, मैं आप और आपकी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने समृद्ध भारत के नाम से जो न्यूज पोर्टल लॉन्च किया है, थैंक यू सर, तो आपके भविष्य के लिए। और उम्मीद रखता हूँ कि आज के इस माहौल में जहाँ मीडिया के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, उसे हट करके एक सच्चाई दिखाने का काम इस आपका समृद्ध भारत न्यूज पोर्टल करेगा, समाज में व्याप्त कुरीति को उजागर करने का, अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जहाँ तक सवाल है जो आपने पहले पूछा आम आदमी के साथ जो रिश्ते या राइस को लेकर के, सो इसमें मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सर, हमने चाहे बेशक हम 2013 में चुनाव हारे, लेकिन हमने तब भी दिल्ली और देश की बेहतरी के लिए हमने उनके सपोर्ट देने का निर्णय लिया सर। तो अरविंद जी के चरित्र को आपको देखना पड़ेगा किस तरह से वो बार बार अपनी बातों से उकरते हैं। 2013 का इतिहास गवाह है, हमने उनको समर्थन दिया था दिल्ली की बेहतरी के लिए, लेकिन वो भाग खड़े हुए। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस BJP को जिताने का काम कर रही है, पहले तो ये हास्यास्पद है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? जिस पार्टी ने, जो पूरे देश ने जिस तरह से अन्याय सहन कर रहे हैं, जो देश में अन्याय हो रहा है, साथ के साथ हमारे नेता और कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास BJP कर रही है, क्या ये संभव है? तो देश और दिल्ली की जनता ये जान रही है, ये व्यक्ति बिल्कुल आज बौखलाया हुआ है, बार बार झूठ बोल रहा है सर। ये बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ा दिल नहीं दिखाया है कांग्रेस ने, इसलिए गठबंधन टूट गया है। अब पता नहीं सर किसका बड़ा दिल है, लेकिन केजरीवाल जी का दिल तो मुझे लगता नहीं है, ये सिर्फ झूठ में बड़ा दिल है, झूठ बोलते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। आप देखिए इनका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, और इनको एहसास है केजरीवाल जी को, इनको पता था कि दिल्ली की जनता इनको अपना समर्थन नहीं देने वाली है, और यही कारण है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, जिस तरह से समाज में बिखराव का संदेश दे रहे हैं, जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ BJP की वाणी देखें और केजरीवाल जी की वाणी देखें, साफ तौर पर पता चल जाएगा कौन रंग बदलने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से तमाम क्षेत्रवासी और मतदाताओं को, दिल्ली के निवासियों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, देश में शांति, तरक्की और विकास और उन्नति के लिए कांग्रेस के साथ आइए, कांग्रेस के साथ जुड़िए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दीजिए, जिससे कि दिल्ली पुनः पुरानी दिल्ली, जिसने विश्व में नाम स्थापित किया था, दोबारा से वो दिल्ली हम शहर बना पाए। सर, अब तो कांग्रेस ने अपने पूर्वी दिल्ली से अमरिंदर सिंह लवली जी को उतार दिया है, तो कैसे संभावना देख रहे हैं आप? देखिए, संभावना मैंने अभी भी कहा है, यहाँ चुनाव जो है वो कांग्रेस वर्सेस BJP है सर। आज BJP ने यदि अपने उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं तो ये मान चुके हैं कि उन्होंने क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं किया, और जिस तरह से इनके सांसदों ने क्षेत्र में काम नहीं किया, वैसे ही BJP की सरकार ने देश के अंदर कोई काम नहीं किया सर। और वो खुद मानते हैं, हम भी बोल रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला कि जी ये तो जुमले हैं, यानी कि चुनावी वादों, हालांकि मंचों पर कहा जाता है, हम भी कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र किसी भी पवित्र ग्रंथ की तरह होता है, क्योंकि यहाँ हम अपनी जनता को, अपने मतदाताओं को एक आईना दिखाते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वादे करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम इन बातों के ऊपर सरकार में आए तो अमल करेंगे। सर, ये जो न्याय योजना है और बाकी जो तमाम आपके घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि युवा आम आदमी पार्टी को छोड़ के फिर से कांग्रेस की तरफ वापसी रुख करेगा? देखिए सर, हमने कहा देश में जो अन्याय हुआ है सर, अन्याय इस बात का है कि युवाओं को सपना दिखाया 2 करोड़ नौकरी है जो हो नहीं सकता, तो हमने कहा है, कांग्रेस ने कहा है, और कहा नहीं है, इसकी समीक्षा की गई है, इसमें बुद्धिजीवी लोगों से लेकर के फील्ड में भी भेज करके मैनिफेस्टो तैयार कराए हैं सर, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के आज तक का सबसे बेहतरीन मैनिफेस्टो इस बार राहुल जी ने तैयार कराया सर, और उस मैनिफेस्टो में ये ग्राउंड रियलिटी को शामिल किया गया है, हजारों लोगों की राय मशवरे के बाद बहुत सारे सुझाव आए, तभी इन्होंने ये किसानों को न्याय दिलाने की बात है, पिछड़ों को, दलितों को न्याय दिलाने की बात है सर। उदाहरण है पास्ट में, आप देखिए मनरेगा कौन लेके आया? राहुल जी लेके, कांग्रेस पार्टी लेके आई, मनरेगा ने दो हाथों को काम दिया, गाँव से शहर में जो पलायन होना था उसको रोकने का काम किया, और उस समय आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, और अफसोस वही मोदी जी ने आकर के उसको बजट बढ़ा देते थे, ये GST का विरोध करते थे, लेकिन जो GST हम लाना चाहते थे उसके विपरीत फिर GST ले लेते हैं। तो यहाँ न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, इसमें अफसोस है कुछ मीडिया ग्रुप जिस तरह से चला रहे हैं,
जैसे देश के अंदर कोई और घटनाएं नहीं हो रही हैं, देश के अंदर कुछ और अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, देश के अंदर कुछ अभी दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन सिर्फ कैमरों का फोकस एक व्यक्ति पे ला करके देख दिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ चौधरी अनिल कुमार, AICC सचिव। हमारे कार्यक्रम आपको कैसा लगा देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।